चलिए इसी बीच रायपुर से एक और खबर मिल रही है जहां कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन रहेगा। बता दें आपको सीएसआईडीसी अध्यक्ष नंद कुमार साय ने दावेदारी की है, साय ने लेलुगा विधानसभा से टिकट की दावेदारी की है, तो संबंधित ब्लॉक अध्यक्ष को साय ने आवेदन भी सौंप दिया है। 1 मई को कांग्रेस में शामिल हुए बता दें नंद कुमार साय वरिष्ठ लीडर है, बीजेपी का दामन छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे 1 मई को और अब उन्होंने आवेदन दिया है। तो बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है और नंद कुमार साय ने दावेदारी की है, साय ने लेलुगा विधानसभा से टिकट की दावेदारी की है, संबंधित ब्लॉक अध्यक्ष को साय ने आवेदन भी सौंप दिया है। तो देखिए एक तरफ जहां हम ये भी देख रहे हैं कि दीपक बैज ने ये कहा था कि बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ आप देखिए ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर साय ने नंद कुमार साय ने लेलुंगा विधानसभा से टिकट की दावेदारी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कुलेश्वर लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। कुलेश्वर, एक तरफ हम देख रहे हैं दीपक बैज ये कह रहे हैं कि बाहरी नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, दूसरी तरफ नंद कुमार साय ने दावेदारी की है लेलुंगा विधानसभा से। देखिए बिल्कुल, एक तरफ पीसी चीफ कहते हैं कि बाहरी लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर हाल ही में बीजेपी छोड़कर आए नंद कुमार साय ने कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र लेलुंगा से अपनी दावेदारी पेश की। देखिए हालांकि दीपक बैज ने भी कहा है कि आवेदन करने का हक, दावेदारी करने का हक सभी को है, टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो पार्टी तय करेगी, लेकिन निश्चित तौर पे सीटिंग एमएलए के खिलाफ जो है वो नंद कुमार साय ने भी ताल ठोक दिया, लेलुंगा विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है कि नहीं, क्योंकि काफी सीनियर नेता है और बीजेपी छोड़ के इसी उम्मीद से आया कि कांग्रेस से शायद मुझे टिकट मिले, हालांकि उन्होंने ताल ठोक दिया है, अब आगे पार्टी निर्णय करेगी। जी बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी क्या पार्टी की टेंशन भी इससे बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि सीनियर लीडर है नंद कुमार साय, ऐसे में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका, बस जो निकले तब आप जानकारी।